नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निखिल सिंह। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ साथ एक टीचर भी हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो जो मैंने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में डाला था, जिसका लिंक ये रहा, इसको आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और बहुत ज़्यादा क्वेरीज रात रात भर कॉल मुझे आए हैं, तो मैं उसी के ऊपर में एक और एक्सटेंशन वीडियो बनाने वाला हूँ। आज के वीडियो में जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होने के बाद हमारे पास में सर बहुत सारे कैटेगरी वाइज रैंक आई है, तो वो कैटेगरी वाइज रैंक को हम कैसे यूज़ करें, कैसे हमें समझ में आएगा कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उसमें कैटेगरी वाइज रैंक यूज़ करें या जनरल जो स्टेट मेरिट रैंक आया है उसको यूज़ करें, तो उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। नंबर टू जो सेकेंड चीज़ हम बात करने वाले हैं वो ये है कि ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे सिर्फ डाउनलोड तक नहीं किया है, तो आप पहले उसको डाउनलोड कर लें। नंबर थ्री, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर में जो ग्रीवेंसेज हैं वो ग्रीवेंसेज को कैसे चेक करें। एंड नंबर फोर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे EWS का सर्टिफिकेट TFWS के लिए अप्लाई किया है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो कैटेगरी में आते हैं, जैसे SC ST OBC एक्सेट्रा, तो उन स्टूडेंट्स ने कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो है उन लोग के पास में वो अपडेटेड नहीं था, तो उन लोगों ने उसका रिसिप्ट खाली अपडेट किया था, अपलोड कर दिया था। अब उनके पास में कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आ रही है कि ये जो दोनों सर्टिफिकेट्स आ गए हैं तो इनको हम कब, किस समय तक इसको हम अपलोड करें। नंबर फाइव, मैं आपको आज एक एग्जांपल के साथ ये बताने वाला हूँ कि एक कॉलेज के अंदर में जो ये रिजर्वेशन और ये कोटा जो हैं अलग अलग, उसके हिसाब से अगर एक कॉलेज के अंदर मान लीजिए मैकेनिकल ब्रांच में 60 सीट्स हैं, तो उन 60 सीट्स में से कितनी सीट्स JEE के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया लेवल पे जाती है, कितनी सीट्स जो है वो इन हाउस जो रहता है सेम यूनिवर्सिटी पे जाती है, कितनी स्टूडेंट्स अदर देन वो जो इन हाउस है कैटेगरी उसमें जाती है, कितनी SC ST OBC, कितना TFWS में जाता है, तो इन शॉर्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से पेंसिल पेन वगैरह लेकर रखिएगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोग जब यहाँ पे जाएंगे अपने साइट के ऊपर में, तो आपको साइट के ऊपर में जाना है। साइट के ऊपर में जाने के बाद में अगर आप जो नॉर्मल देखिए, आपको ये दिखाई देगा, साइट पे आप चले जाएंगे तो आपके पास में ये पूरा का पूरा खुल जाएगा, जिसके अंदर में आपने BE BTECH सेलेक्ट करना है। जैसे BE BTECH सेलेक्ट करेंगे आप, तो आपके पास में ये वाला एक पेज खुल जाएगा। इस पेज के अंदर में आप यहाँ पे नीचे अगर आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पर, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी खुल जाएगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जब खुलेगी तो आपको बोला जाएगा एंटर योर एप्लीकेशन ID एंड डेट ऑफ बर्थ। तो आपके पास में जो एप्लीकेशन ID है स्टूडेंट्स और डेट ऑफ बर्थ, उसको आप एंटर कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद में वापस से चलते हैं इधर। यहाँ पे देखिए आपको प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ जो है नीचे में आपको दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई देंगे, तो आप यूजुअली 1920 को ही प्रेफर करिएगा, उसके पहले वाले को लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो 1920 के अंदर में कैपरोंग थर्ड का कट ऑफ देखिए, ये सब आप डाउनलोड करके रखिएगा, ठीक है। मैं एक एक करके इस पर बात करने वाला हूँ। तो इसके अंदर में आपको थर्ड कैपराउंड में कट ऑफ में तीन कॉलम दिख रहे हैं। पहला कॉलम MH का है, MH स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र, AI स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया, एंड एक होता है डिप्लोमा। तो आप डिप्लोमा ऑल इंडिया और महाराष्ट्र कैंडिडेट जैसे हैं उस हिसाब से आप इसको डाउनलोड करेंगे। मान लीजिए मैंने ये महाराष्ट्र स्टेट वाला डाउनलोड कर लिया, तो जैसे ही मैं महाराष्ट्र स्टेट वाला डाउनलोड करूँगा तो ये देखिए महाराष्ट्र स्टेट के लिए मेरे पास में ये ऐसा आ जाएगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे कि ये GOpenS, GNT3S, GOBCS, GSEBCS ये सब क्या है, और ये हमको कैसे समझ में आएगा कि हमने जब अपना लिस्ट बनाना है तो इसको रीड कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाइए इधर, तो ये मैंने आपको लिस्ट बता दिया था। आप यहाँ पे जाने के बाद में आपके पास में इधर महाराष्ट्र स्टेट का जो मेरिट लिस्ट है और ये ऑल इंडिया जो मेरिट लिस्ट है ये यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। सेम कॉन्सेप्ट बच्चों ये है आपके पास में फार्मेसी वाला, फार्मेसी वाले भी यहाँ पे चेक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे ऑप्शन है, आप वो जाके वहाँ से इधर अपना एप्लीकेशन ID और यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट करके आप ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए अगर ये आपके पास में एक, मैंने एक सैम्पल लेके रखा है कि मान लीजिए ये आपके पास में एक स्टूडेंट डिटेल
मतलब ये आपका एक प्रोविजनल मेरिट स्टेटस जो है ये ऐसा डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड होगा तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ समझनी है, देखिए पहली बात तो आप अपना नाम पूरा अच्छे से चेक करें, मैं आपको एक एक चीज़ बताते जाता हूँ। सबसे पहले आप अपना पूरा नाम अच्छे से चेक करें किस सीक्वेंस में आपने भरा था, स्पेलिंग वगैरह ठीक है या नहीं। उसके बाद में आप अपना जेंडर चेक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से आपने चेक करनी है, ठीक है। इसका हो सके तो एक प्रिंटआउट ले लें, एंड ट्राई करें बच्चों इसको मोबाइल फ़ोन वगैरह पे ना खोलें, आप इसको प्रॉपर किसी सिस्टम कंप्यूटर वगैरह पे खोलें, ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट टाइप जो है आपका वो चेक करें, होम यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर मुंबई में रहता हूँ, तो मेरे लिए जो होम यूनिवर्सिटी है वो है मुंबई यूनिवर्सिटी। इस होम यूनिवर्सिटी का फ़ायदा कहाँ होने वाला है आप सभी को, ये इस वीडियो के आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये बच्चा जो है ये सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का है, तो इसका वो जो है वैसा बना है कार्ड। आगे चलते हैं, कैटेगरी जो ये बच्चे ने दिया था वो इसने दिया था OBC, और इधर यहाँ पर देखिए कैटेगरी फॉर एडमिशन भी OBC, ये दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे ना डॉलर का मार्क, एट द रेट का मार्क, एस्टैक का मार्क, ये सब आता है, तो उसका भी अलग अलग मीनिंग है, वो हम आगे देखने वाले हैं। कभी कभी बच्चा क्या करता है, उसने डाला तो था OBC में लेकिन उसने डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही नहीं किया, तो उसने क्लेम OBC का किया है लेकिन जब उसने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है तो इस जगह पे उसका जो है कैटेगरी फॉर एडमिशन अपने आप हो जाता है ओपन, ठीक है, तो वो आप ध्यान देंगे। उसके बाद में आइए, इधर आने के बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है अप्लाइड फॉर EWS, अगर आपने है तो येस या नो यहाँ पे आ जाएगा। ऑर्फन आप देख लीजिए है या नहीं है, डिसेबिलिटी अगर है या नहीं वो आप अच्छे से चेक करें, डिफेंस कोटा के लिए अप्लाई किया है, मैं लेफ़्ट और राइट दोनों कॉलम पे चले जा रहा हूँ। TFWS के लिए अप्लाई किया है क्या, कोंकण कैंडिडेट, अच्छा ये एक कोंकण कैंडिडेट का बहुत क्वेश्चन आया, बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने तो कोंकण कैंडिडेट ऐसा कुछ भरा ही नहीं था, ये क्या नया चीज़ है। तो ये जो कोंकण कैंडिडेट का है ना, जैसे बाटू वगैरह के अंदर में क्या होता है कि वहाँ का कोंकण कैंडिडेट, अगर वहाँ का लोकल कोई कैंडिडेट है तो उसकी भी कुछ सीट्स होती है। खैर आपके लिए ज़रूरी नहीं है, अगर आप वहाँ के हैं, आपने वहाँ होम यूनिवर्सिटी वगैरह डाला है तो ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाता है, अगर नहीं डाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नो में जाएंगे, ठीक है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है, हो सकता है, अच्छा रिलीजियस माइनॉरिटी नॉट एप्लीकेबल, तो ये माइनॉरिटी में नहीं आ रहा है बच्चा। उसके बाद में आपको यहाँ पे अच्छे से देखना है कि आपके पास में यहाँ पे आ रहा है MST CET परसेंटाइल, बच्चों परसेंटाइल डेसिमल के बाद एक एक प्लेस पोजीशन आप अच्छे से देखना, क्योंकि एक एक पॉइंट से आप देख रहे हो रैंक में काफ़ी फ़र्क होने वाला है ना। उसके बाद में कैंडिडेट का नेम एज़ पर CET, फिज़िक्स का मार्क्स, मैथमेटिक्स का मार्क्स, हर एक चीज़ एकदम अच्छे से आपने चेक करनी है, केमिस्ट्री का मार्क्स एंड PCM का, ये सब आपने अच्छे से परसेंटाइल चेक कर लिया। सिमिलरली आपके पास में क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास में HSC का भी आ जाएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीगेट और मैथ्स, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आपका PCM या PCB या जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा है ना, उसके हिसाब से आपका जो एलिजिबिलिटी मार्क्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इतना चेक होने के बाद में बच्चों को मिस्टेक कहाँ हो रही है, वो है ये वाले पार्ट में कि सर हमारे पास में ना बहुत सारे कैटेगरी वगैरह की चीज़ें आ गई है, ठीक है। तो चलो कैटेगरी की चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास में ना कैटेगरी वाइज में ओपन कैटेगरी का अगर कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए इतना तामझाम की ज़रूरत नहीं है, ये है जो दूसरे कैटेगरीज में हमारे बच्चे आते हैं ना उनके लिए थोड़ा सा तामझाम वाली चीज़ हो जाती है, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट जनरल मेरिट नंबर, इसका मतलब क्या होता है वो समझेंगे। जैसे पूरे स्टेट भर में अभी तक करीब 88,016 या 14 बच्चों ने अप्लाई किया है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, इन सबको एक लाइन से खड़ा कर दो और सबको एक एक रैंक दे दो, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक। तो ये जो बच्चा है ये आ रहा है 10,897th रैंक पे, मतलब 10,896 स्टूडेंट्स इससे आगे हैं पूरे स्टेट भर में, नंबर वन। नंबर टू, यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट नंबर, अब ये क्या हो गया, जैसे अगर ये है पुणे यूनिवर्सिटी का, तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने बच्चे थे, हाँ मान लीजिए 5,000 बच्चे पुणे यूनिवर्सिटी में थे, तो उन 5,000 में ये बच्चा 2,803rd रैंक पे आया हुआ है ना। मुंबई यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे होंगे,
कोल्हापुर के होंगे, अलग अलग जगहों के होंगे, तो आप जिस जगह के हैं उस जगह में जितने बच्चे थे उनमें से आपका रैंक क्या है, इसका फ़ायदा क्या होने वाला है आगे देखेंगे हम। चलिए आगे चलते हैं, स्टेट कैटेगरी। अब देखिए कैटेगरी भी है, जैसे पूरे महाराष्ट्र में, अब जैसे ये स्टूडेंट मैंने ओबीसी का एक एग्जांपल लिया है, तो पूरे महाराष्ट्र भर में जितने ओबीसी कैंडिडेट्स थे उनमें इस कैंडिडेट का जो रैंक है वो है 2751। आगे चलते हैं, उसके बाद में आता है यूनिवर्सिटी कैटेगरी मेरिट लिस्ट। अब ये क्या हो जाएगा कि हमारे पास में जैसे कोई एक यूनिवर्सिटी, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी में भी तो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, है ना, तो पूरे महाराष्ट्र में जितने थे उनमें वो बच्चे का रैंक है 2751। लेकिन जो मुंबई के बच्चे हैं तो मुंबई में वो बच्चे का रैंक है 767। तो मुंबई में जितने ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहे होंगे उनमें ये बच्चे का रैंक है 767। तो इससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में इन हाउस कितने कॉलेजेस हैं, उसमें ओबीसी के कितने सीट्स होंगे, तो इसको कौन सा सीट मिलने का चांस है। आगे बताता हूँ मैं उसको, उसी हिसाब से राजा आपके पास में इधर आ जाता है TFWS मेरिट लिस्ट, मेरिट नंबर। पूरे स्टेट भर में जितने बच्चों ने TFWS के लिए अप्लाई किया तो इसका नंबर रैंक क्या आ रहा है उसमें से, है ना। और ये आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आ जाता है ऑल इंडिया मेरिट नंबर। तो ये आ जाता है आपके पास में, अब ये जो बच्चा है ये ऑल इंडिया वाला जो रैंक है, ये रैंक में आप देखो ऑल इंडिया का जो आपका ये आया है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसमें पहले JEE कैटेगरी पूरे आ गए हैं, उसके बाद 100 परसेंटाइल का भी जो MHT CET वाला है ना वो JEE का लिस्ट ख़त्म होने के बाद शुरू हो रहा है, समझ में आया। तो वैसे ही ये बच्चे को ऑल दो 92 point something परसेंटाइल है, ठीक है, MHT CET का रैंकिंग देखोगे तो बॉस इसका रैंकिंग बहुत हाई है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे जाओगे तो इसके ऊपर JEE कैंडिडेट्स आ जाते हैं। अब JEE कैंडिडेट जो बच्चों ने JEE का भी एग्ज़ाम दिया है, भले उसको CET में मार्क्स कम है, लेकिन वो ऑल इंडिया रैंकिंग में ऊपर चला जाता है, JEE के हिसाब से वो रैंक लगती है। जहाँ JEE का रैंक ख़त्म होता है वहाँ से स्टेट का चालू होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, आइए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो ब्रोशर मिला हुआ है उसके अंदर में दिया गया है ये चीज़। जैसे जितनी भी सीट्स हैं तो परसेंटेज कौन से को कितना कितना है, तो SC ST NT NTB NTC NTD OBC टोटल 50% रिजर्वेशन है, ये उसका एक आपके ब्रोशर में दिया है। ये एक आम तौर पे ऐसा सीट्स है कि टोटल में से इतना परसेंट सीट इन कैटेगरी के लिए दी गई है। अब इसको आराम से समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए आपके पास में टोटल, ध्यान से समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ मैं अब ये चीज़ आपके लिए, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में टोटल 60 सीट्स हैं तो उन 60 सीट्स में से 12 सीट जो रहेगा वो मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूट लेवल का रहेगा। जो बड़े बड़े नामचीन कॉलेजेस हैं वो इन सीट्स को बेचती हैं, इन शॉर्ट मतलब इसका डोनेशन लगता है, ठीक है, 12 सीट तो गए। 9 सीट्स जो बचे इन 60 में से वो जाता है JEE कैंडिडेट्स को। 27 सीट्स जो है वो जाता है महाराष्ट्र स्टेट होम यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पे वो काम आता है, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का हूँ तो हर कॉलेज में 60 में से तकरीबन 27 सीट मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए रखी गई होगी। जो पूना का है उनको पूना की सीट मिलेगी, 27 सीट्स, ठीक है। हर कॉलेज में 60 में से 12 सीट्स जो है वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी के रहता है, तो ये सबको ऐड करेंगे तो टोटल होता है 60 सीट्स। इसमें भी रिजर्वेशन आता है, रिजर्वेशन अभी मैंने बात नहीं किया, मैंने ये ऊपर ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है ना। तो जैसे ये 27 सीट है तो ये 27 की 27 सीट सिर्फ ओपन कैटेगरी को नहीं मिलेगी या फिर SC ST को नहीं मिलेगी, उसमें भी 27 का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेडीज़ कोटा भी आ जाता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आगे चलते हैं, अगर हम आगे बात करते हैं तो TFWS के लिए 3 सीट रहेगी आपके पास में, ये जो है आपके पास में देखिए 3 सीट पर 60 स्टूडेंट्स, और जम्मू एंड कश्मीर के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। एंड EWS के लिए 6% है, 6 सीट्स है, 10% ऑफ द इनटेक। तो ये सारी चीज़ तो ऊपर ऊपर से हमने बात कर ली। आगे चलते हैं, अब देखिए ये मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास में 60 सीट्स है तो मैनेजमेंट की कितनी सीट्स हैं, 12 सीट। AIEEE मतलब JEE वाला, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो JEE के कितने सीट्स हो गए, 9 सीट हो गए। अब ये 9 सीट पे कोई रिजर्वेशन नहीं है,
ये 9 सीट किसी कैटेगरी वाले को मिल सकते हैं, लड़का हो लड़की हो, फिजिकली चैलेंज्ड हो, किसी को भी मिल सकते हैं। अब चलते हैं होम यूनिवर्सिटी की जो 27 सीट थी, उस 27 में से ओपन को करीब 11 से 12 सीट्स मिलेंगे, 11 से 12, जिसमें से 3 होगा गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए। ये 11 से 12 इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ब्रांच वाइज चेंज होता है, सिविल के लिए कभी 11 कभी मैकेनिकल में 12, ये कॉलेज अपने आप कर लेता हैंडल। उसी 27 में से 5 से 6 सीट ओबीसी के लिए रहेगा, जिसमें से भी 2 ओबीसी गर्ल्स के लिए होंगे। 3 से 4 सीट एससी कैटेगरी के लिए होगा, जिसमें से 1 लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए होंगे। इस 27 में से 1 सीट एसटी के लिए, 3 सीट एनटी के लिए, 1 वीजे, 1 डिफेंस, 1 या 2 फिजिकली हैंडीकैप के लिए होगा। अब आपको समझ में आया, ये जो 27 सीट है, 27 की 27 पे अपनी लॉटरी नहीं लग रही है, समझ रहे हो? आपके पास में उसमें भी सब कैटेगरीज आ जाती है ना? तो अगर आप ओपन कैंडिडेट हो तो बॉस आपका सिर्फ 27 में से इतनी सीट आपके हाथ लगेगी किसी भी कॉलेज में, है ना, इन स्टेट वाला। अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर में देखिए ये है आपके पास में कैटेगरी। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अगर कभी ओपन कैटेगरी की सीट्स खाली जा रही है तो कैटेगरी के स्टूडेंट्स को वो सीट मिल जाती है, वो ले सकता है, ठीक है, बट ओपन वाला कैटेगरी के सीट्स में नहीं जा सकता। उसके बाद में आता है अदर देन स्टेट यूनिवर्सिटी, तो जिसकी 12 सीट्स हैं, तो ये जो 12 सीट्स हैं हमारे पास में, इन 12 सीट में भी वही चीज़ है कि हमारे पास में जो ओपन कैटेगरी है उनके लिए 6-7 सीट, ओबीसी के लिए 1 से 2 सीट, एससी एसटी एनटी वीजे इन सब के लिए सीट्स हैं। इन सब को मिला दोगे बच्चा तो बनेगा 60 सीट। अब देखो ये 60 सीट तो हो गया, चलते हैं आगे। फिर वैसे ही TFWS के लिए 3 सीट है, EWS के लिए 5 सीट है, जो सिर्फ ओपन वालों के लिए होती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिर्फ ओपन के लिए है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अच्छा, जो आपको रैंक दिया है कैटेगरी वाइज, वो कैटेगरी वाइज रैंक जो है वो कहाँ देखने में काम आता है ना? तो अब चलते हैं, वो कहाँ देखने में काम आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको ना एक ऐसे ही कॉलेज दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, ठीक है, ये मैंने 3rd राउंड का आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। इसके अंदर में आप देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जी ओपन एस लिखा है। अब जी मतलब जनरल, ठीक है। अब आप ना ये जो आपका यहाँ पे देखिए रैंक आया है, अब आप ना अपना वो परसेंटाइल वगैरह भूल जाए, अब आप सिर्फ और सिर्फ रैंक पे ध्यान दें। यहाँ पे जो रैंक है वो रैंक है 10,246। 3rd कैप राउंड में वहाँ पे 10,246th रैंक को ओपन कैटेगरी वाले को सीट मिली। कहाँ पे मिली? तो स्टेट लेवल की सीट है एंड सिविल इंजीनियरिंग में मिली है। वैसे ये जो है जनरल एनटी कैटेगरी का है, तो NT3, NT2 ये सब जो था कैटेगरी मैंने आपको बताया, तो उसके लिए जो कट ऑफ था, जो लास्ट आपका मार्क्स था, जो रैंक था, वो 13,801 वाले को मिली है। वैसे ये जनरल ओबीसी है, तो जनरल ये सब स्टेट के लिए, हाँ, तो स्टेट में ये जो ओबीसी कैंडिडेट है, जो लास्ट ईयर जो ओबीसी कैंडिडेट था उसको 10,828 जो रैंक पे था उसको यहाँ पे सीट मिली। वैसे ये जो है ये ईबीसी के लिए है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ये ओबीसी एस, ये लेडीज़ वाला है, LOBC उनके लिए है। वैसे ही लेडीज़ में LSEBC, तो लेडीज़ स्टेट ईबीसी कैंडिडेट या स्टूडेंट जो है उसके लिए है। तो ये जो है TFWS कितने पे बंद हुआ, EWS कितने पे बंद हुआ, ये ऐसा रहता है। तो आपने जब देखिए इसमें ना अच्छा खासा आपको स्टडी करनी पड़ती है, आपके पास में अभी भी टाइम है, आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आपको क्या करना रहेगा कि आप ना अपना जो रैंक है, रैंक के हिसाब से आपको पता है कि आपकी पोजीशनिंग क्या होने वाली है। तो स्टेट वाइज में आप अपना रैंकिंग देखें, भले आप कैटेगरी में हैं तो भी, उसके बाद में आप बस ये चीज़ चेक करते जाएं, ये जो है ना हर कैटेगरी की हेडिंग वो आप अच्छे से चेक करें, तो उसमें आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर किस कैटेगरी के कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज बंद हुआ है। थोड़ा गोलमाल है लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से रिपीट करके देखें, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए ये चीज़, है ना। मान के चलिए इस बार की स्कोरिंग अच्छी है तो चांसेस हैं कि हमारे पास में जो कट ऑफ है वो कट ऑफ थोड़ा 1-2% नीचे ही जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ 95 पे कट ऑफ मिला था लास्ट टाइम, तो इस बार हो सकता है ये 94.7 94.5 पे भी आ जाए, तो इस चीज़ का हमें ध्यान ज़रूर रखना होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं वापस से अपने उस चीज़ के ऊपर में, आइए इधर।
अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जहाँ पे बच्चों को लग रहा है कि अरे सर हमारे पास में तो डॉक्यूमेंट जो है वो तो हमारे पास में अब आ चुका है, सर्टिफिकेट्स, कास्ट वैलिडिटी वगैरह आ गई है, इसको हम कैसे फटाक से अपलोड कर दें, कब तक अपलोड कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो ये डॉलर का साइन, हैश का साइन, ऑस्ट्रिक और एट द रेट का साइन, इसका मतलब समझे। डॉलर का साइन का मतलब है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट या ट्राइबल वैलिडिटी सर्टिफिकेट शुड बी अपलोडेड ऑनलाइन, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट टिल द लास्ट डेट ऑफ सेल्फ वेरिफिकेशन एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस एज पर द अलॉटमेंट ऑफ कैप्रॉन वन। अब ये क्या चीज़ है, जैसे कैप्रॉन वन जब हो जाएगा, अभी इंजीनियरिंग के लिए कैप्रॉन वन का जो है आपका जो टाइम दिया है 14 जनवरी से 16 जनवरी तक का दिया है, उस टाइम पे आपको अगर कोई कॉलेज लग जाता है तो आपको उसको सेल्फ वेरीफाई करके सेल्फ एक्सेप्ट करना है। मैंने ये अपने अलग अलग वीडियोस में बताया हुआ है, आप जाके उसको प्लेलिस्ट से देख लें कैसे करना रहता है ये। तो आप जब उस समय अपना कॉलेज फिक्स करोगे ना, उस समय तक 14 से 16 तारीख तक आप यहाँ पे अपना ये सर्टिफिकेट अपडेट या अपलोड कर सकते हो। आपने पहले रिसिप्ट लगाया था, अब उस पर सर्टिफिकेट लगाओगे। वैसे ही इस सिंबल का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट। आपने रिसिप्ट लगाया होगा नॉन क्रीमी लेयर के लिए, तो आपका नॉन क्रीमी लेयर का जहाँ पे कोटा लग रहा है उधर हैशटैग या फिर एस्ट्रिक आ गया होगा, तो उसको भी आप 14 से 16 तारीख तक अपडेट कर सकते हो। सिमिलरली EWS सर्टिफिकेट के लिए एट द रेट का आपके पास में ऑप्शन आ गया होगा नाम के यहाँ पे, वो भी आप अपडेट कर सकते हो। कैंडिडेट शेल रेज द ग्रीवेंस अबाउट करेक्शन रिक्वायर्ड इन द डेटा डिस्प्लेज इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थ्रू हिज और हर लॉगिन। आप वहाँ पे ग्रीवेंस का जो ऑप्शन मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके देख लें। आप वो ग्रीवेंस के लिए जाएंगे, अपना लॉगिन एंड पासवर्ड के थ्रू में एंटर करेंगे या डेट ऑफ बर्थ में एंटर करेंगे, ग्रीवेंस रेज करें, मैसेज लिखें कि क्या ग्रीवेंस है आपके पास में। उसके बाद में वो लोग आपका फॉर्म अनलॉक करेंगे, आप यहाँ से उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दो, वो वहाँ से वेरीफाई करेंगे एंड मोहर लग जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। ये सब के लिए भी आपको ग्रीवेंस रेज ही करना पड़ेगा, सब ऑनलाइन ही है। उसके बाद में वही चीज़ यहाँ पे दे के रखी है, एंड आपका जो ऑनलाइन ग्रीवेंस जो अभी आप भेज सकते हो, वो ऑनलाइन ग्रीवेंस कब से कब तक भेज सकते हो वो बड़ा ध्यान रखना। ये आप 3 तारीख से 4 तारीख तक भेज सकते हो, ध्यान से समझना। ग्रीवेंसेस के अंदर में आपका नाम, परसेंटाइल, कैटेगरी, ये वो में कुछ मिस्टेक है उसको आप हाईलाइट करोगे, ध्यान से समझना। ग्रीवेंसेस में आप वो हाईलाइट करोगे, लेकिन अगर कोई आपके पास में डॉक्यूमेंट आ चुका है कि भाई मेरे पास ओरिजिनल आ गया सर, तो आप 3 से 4 तारीख के बीच में अपलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट कौन सा, सर्टिफिकेट वगैरह, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, वो लास्ट डेट कब तक है बॉस, वो आप 14 से 16 तारीख तक भी बीच बीच में अगर आता रहेगा, 14 से 16 तक आपको कैसे भी उस टाइम पे तो इसको अपलोड करना ही करना है। अभी है तो अभी कर दो, ट्राई करो अभी ही ग्रीवेंसेस सब वाइंड अप कर दो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लेंथी था, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, और मैं आपको फिर एक और वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर में कैसे हम ऑप्शन फॉर्म भरेंगे, उसमें क्या क्या चीज़, कैसे कॉलेजेस सेलेक्ट किए जाएँ, किस परसेंटाइल पे क्या कॉलेज लग सकता है, इसके बारे में। तो चैनल के साथ बने रहें, बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में, तो हो सके तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, पढ़ते रहें और खूब आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।